So welcome to Istanbul, welcome to Turkey. तो अभी फिर सिंगल टिकट लिया और वो भी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान. ओ जीवे जीवे पाकिस्तान. ये बास फोरस का स्टार्ट था. इसके जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ब्लैक सी है और इस तरह. अच्छा, ये ट्राम जो है ना तकसीम से लेके कुछ किलोमीटर तक चलती है ऊपर. तो चले, मैंने आज प्लान चेंज किया और हॉस्टल से मुझे उन्होंने कहा कि आप एसलनर ऑटो कार चले जाएं, वहाँ से आपको कोई बस वगैरह जो है ना तहरान या तब्रेज़ के लिए मिल जाएगी. तो आज यहाँ पे थोड़ा सा यकम ही की वजह से रश रुश का भी था और कुछ सिस्टम्स का भी मसला था, तो मैंने फिर टैक्सी ली है. टैक्सी 100 लीरा में मुझे ले कर जा रही है एसलनर ऑटो कार, जहाँ से मैं पता करूँगा तहरान की बस का. तो रोटामोन इस्तांबुल हॉस्टल से मैं पहुंच गया हूं ऑटो कार आधे घंटे. आज कोई बस डायरेक्ट बस नहीं थी तो मैं जाऊंगा उनका जो बॉर्डर टाउन है, मुझे इसका नाम इस वक्त जो है ना एग्जैक्ट नहीं आ रहा. टिकट वो मुझे यहां से बना देंगे. तो टिकट के लिए कैश चाहिए था तो मैंने यहां से अपने यूरो से चेंज करवाए हैं. अच्छा, वैसे मेरा प्लान था पहले अनकरा जाने का, लेकिन जब मैंने उसकी कुछ चीज़ें देखी तो मेरा दिल नहीं चाहा वहाँ रुकने का, क्योंकि अगर बंदे ने जाना हो तो कैपाडोकिया, अंतालिया, पामुकले, इज़मिर, वो साइड जो है उसके साउथ की तरफ, वहाँ पे तो जाए. तो फिर मैंने कहा चलो जी डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं. तो आगे जब ईद आ रही है तो उस वजह से कोई डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं थी तहरान के लिए. तो मैं दोबारा नाम देख लूँ, मुझे नाम भूल जाता है बार बार. ये है दोबो याजद के लिए मुझे बस मिली है. यहाँ से 2 बजे निकलेगी और ये तकरीबन कोई 1650 किलोमीटर का फासला है. तकरीबन कोई 18 से 20 घंटे लगेंगे और मैं कल सुबह कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा दोबो याजद. वहाँ से मैं अपनी सिचुएशन देखूँगा और आगे देखूँगा कि आया आगे अवेलेबलिटी क्या है, वरना वहाँ से शटल बस लेनी है एक शटल और वहाँ पे पहुँचना है बॉर्डर पे, और बॉर्डर से फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद देखना है कि आगे हमें तहरान, तब्रेज़ किसी जगह के लिए भी बस मिलती है और फिर अगला प्लान आगे. बाकी अल्लाह करे बस के अंदर अगर वाईफाई हो जाए तो मज़ा आ जाए, वरना बड़े बुरे तरीके से फंसेंगे. मैंने यहाँ से टिकट ली थी, ये साहिल और 136 नंबर है. इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखें, हाँ, तो यहाँ पे इस्तांबुल और अनकरा के लिए आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं. और एसलनर जो है ना वो सबसे बड़ा कहते हैं, क्योंकि मेरे हॉस्टल वालों ने कहा था कि आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको यहाँ से टिकट मिल जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईद की वजह से जो है ना ये वाला डायरेक्ट नहीं है, वरना ये इस एरिया में है. अच्छा, जो बसें हैं पीछे वो सारी की सारी पीछे खड़ी होती हैं. जिस तरह ये है बरसा, इज़मिर, यहाँ पे सैमसन, त्रबज़ोन. वेट के साथ टर्किश टी. उन्होंने कहा कि बस में बैठें तो हम जाते हैं अपनी बस की तरफ. दुबई आज़द नाम तो याद हो गया. अस्सलामु अलैकुम.
दिस बस यस ये है जी दुबई आज़र के लिए। दुबई आज़र सीट का तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जिसमें मर्जी बैठ जाएं, मुझे तो यही समझ लगी है। अब देखते हैं एनी सीट, सीट नंबर लास्ट टू सेट एनी वे ओके देन वो जी आखिरी सीट है बिल्कुल। तो उन्हें तो मैंने तो समझ लगी कि आखिर तो बैठ जाओगे, देख लेने की कहें। मैं तो आके जो सबसे फ्रंट वाली है ना कोई VIP वगैरह वहाँ पे बैठ गया, अगर उन्होंने मुझे उठा दिया तो ठीक है, वरना देखी जाएगी क्या होता है। ड्राइवर ने कहा जी शिमशे आपकी सीट सबसे एंड वाली है, आप वहाँ पे चले जाएं, और मैं अपनी सबसे एंड वाली सीट पे आके बैठ गया हूँ। यहाँ पे कैसे होगा सफ़र, चले। एक बात है कि वाईफाई होगी, क्योंकि वाईफाई लिखा हुआ है और ड्राइवर कह रहा है कि जब बस चलेगी तो ड्राइव वाईफाई मिलेगी। तो जनाब हमारे एक बहुत लंबे बस सफ़र की इब्तदा हो गई इस्तांबुल से, जिसमें हमारा पहला डेस्टिनेशन है दुबई आज़त जो कि 1700 किलोमीटर है इस्तांबुल से। तो समझे कि एक दिन तो पूरे का पूरा वहां तक पहुंचने में ही लग जाएगा। अभी आने लगा है सुल्तान सलीम ब्रिज, और यहाँ से हम एक्चुअली अब यूरोप से एशिया में एंटर हो रहे हैं सुल्तान सलीम ब्रिज से। और ये बिल्कुल जो है ना मेरी राइट साइड पे ये बॉस्फोरस आ रही है, और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल जो है ना ब्लैक सी में यहाँ पे वो एंटर होती है, मतलब बॉस्फोरस का एंड होता है यहाँ से और साथ ही ब्लैक सी स्टार्ट हो जाता है। तो आप भी ज़रा आज हमने यूरोप को छोड़ दिया और हम एंटर हो गए एशिया में, और अब एशिया में तुर्की ईरान पाकिस्तान। अच्छा बस में थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट थी जिस तरह चाय अभी आ गई, चाय। इस्तांबुल से निकले हुए हमें घंटा सवा घंटा हो गया है, और अभी हम ये गुजर रहे हैं सुल्तान बेली पे, टाउन है या छोटा सा शहर है। यहाँ से भी एगियन सी की आखिरी नोक जो है ना कैपेसिटी से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे आके मरमरा सी बिल्कुल एंड हो जाता है। इस्तांबुल से निकले हुए हमें हो गए हैं 4.5 घंटे। इस वक्त हम धुंध की लपेट में आए हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन बिल्कुल 5-6 किलोमीटर एक टनल के अंदर से गुजरे हैं तो कुछ कम हुई है। और ये इलाका है बोलो, तो मेरा ख्याल है अभी हमें कोई 2-3 घंटे लगेंगे शायद अनकरा पहुंचने में, और अभी तक कोई इसने प्रॉपर स्टॉप नहीं किया। हाँ जी 6 घंटे का सफ़र हो गया, अनकरा के करीब हम पहुंच गए, और इस्तांबुल से लेके ये पूरे के पूरे 6 घंटे बड़ा ग्रीनरी पहाड़ों के दरमियान से हम होते हुए आए हैं। बहुत शानदार सफ़र था, और अभी अनकरा के करीब ये रुके हैं डिनर के लिए,
हम देखते हैं कि अंदर हमें क्या अवेलेबल है। ये मैंने ले ली, चार चीज़ें मैंने ले ली हैं, कुछ चावल है, रायता है, पता नहीं ये जी 100 लीरे का ये वाला हुआ। तो अब हम कोई जगह तलाश कर, ये तो मुझे चावल लग रहे थे, ये पता नहीं कोई सब्जी सुब्जी है या कुछ क्या है, बाकी और भी कुछ चीज़ें लग रही थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जानी थी। ये है तो चावल, और ये सब्जी है भाई, वो डाली जा रहा था ये बताऊँ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सारी रात बस के अंदर सफ़र करते करते सुबह के 6 बज गए हैं, मतलब हमें 16 घंटे हो गए हैं सफ़र करते हुए, और इस वक्त हम अर्ज़ रूम उसके करीब पहुंच गए हैं। और जैसे ही कल सोए थे तो उस वक्त भी बड़ा खूबसूरत सीनरी के दरमियान से गुजर रहे थे, और अभी तो हमारे इर्द गिर्द दोनों तरफ बर्फ़ पोश पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। और मेरा मैप कह रहा है कि अभी हम तकरीबन 450 किलोमीटर तकरीबन 5.5 घंटे लगेंगे, तो मतलब तकरीबन 22 घंटे में हम इस्तांबुल से दुबई आज़द पहुंचेंगे। तो उसके बाद देखेंगे क्या है, हम शाम तक तबरीज़ पहुंच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि तहरान तो अभी आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम देगा। अभी आप ये मेरे साथ वाली सुबह के वक्त की सीनरी देखें। अस्सलामु अलैकुम और एक दफ़ा फिर गुड मॉर्निंग। अब हमारी बस जो है ना वो अर्ज़ रूम उससे थोड़ा सा आगे आई है, और लगता ये है कि अभी 13 घंटे हमें लगेंगे। सुबह के 8 बज गए हैं और हम 11:30-12 बजे के करीब हम पहुंचेंगे दुबई आज़द, और रास्ता सारे का सारा इसी तरह ही है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि हम 2000 मीटर प्लस के ऊपर हैं, और दुबई आज़द भी 1800 मीटर की हाइट के ऊपर है। चिलिंग माहौल है, साथ इर्द गिर्द बाहर पहाड़, दूर बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हम इस होटल में इस बार रुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा होटल वाला दिखाता हूँ अंदर से। यहाँ पे कैंडीज वगैरह, इसको ले ये वाला चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन मेरा प्लान था कि इस दफ़ा मैंने ये सारा टूर जो है ना वो किया है तकरीबन 8 kg बैकपैक के साथ, तो मैं अगर कोई शॉपिंग करनी होगी तो वो इंशाल्लाह ईरान में तहरान, इस्फहान या शिराज, इन तीनों में से किसी एक जगह करूँगा, और जितना एंड पे जाके करूँगा उतना मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा। और जैसे ही हम शेड से बाहर आए हैं ना, तो यार ये कुल्फ़ी जमाने वाली ठंड है। शेड के नीचे तो फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा हो रहा था, यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। वादी खुल रही है जितना जितना हम आगे जा रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे भाई साहब कंडक्टर साहब, ये कल से कुछ ना कुछ कभी कैंडीज ले आते हैं, कभी चाय ले आते हैं, कभी ड्रिंक ले आते हैं। केक
अग्री टाउन 100 किलोमीटर है और 1.25 घंटा रह गया है दो बयाजिद। चलिए जी, दोगो बयाजिद पहुंच चुके हैं। 22 घंटे में हम यहां पे पहुंचे हैं। ये दोगो बयाजिद का है और यहां से मैं लूंगा शटल टैक्सी। इकराम आई गो गुरबुलाक गुरबुलाक बुलाक क्या गुरबुलाक शटल टैक्सी टूरिस्ट ऑफिस। चले जी, मैं टैक्सी जो है ना सेंटर से कह रहे थे कि 505 किलोमीटर है। गया? अच्छा, ओके। तो मैं फिर अपनी ये टैक्सी ली है। टैक्सी वाले को 100-200 इतना मांग रहे थे, तो फिर एक बंदे ने 100 में मुझे करवा के दिया। तो अब मैं 100 लीरे पे जा रहा हूँ, वरना अगर सेंटर से जाया जाए तो वो 7 लीरे लेते हैं। अच्छा, उसने 100 लीरा लिया और 3 सवारियाँ बिठाई तो उसके तो 300 लीरे हो गए। चले, अभी हम निकल रहे हैं। ये है हमारा गुरबुलाक। ईद मुबारक। ये हमें लेके आए हैं और गुरबुलाक हम पहुंच गए हैं। ये है गुरबुलाक और काफ़ी दूर था ये, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हमें लगा खाली सड़क के ऊपर। खाली सड़क के ऊपर ये टैक्सी भगाता हुआ आया और हमें कोई भी शेयर टैक्सी रास्ते में नज़र नहीं आई। इसका मतलब यही था कि आज ईद की वजह से शेयर टैक्सी वगैरह बंद थी और वो सही कह रहे थे। अभी हम यहाँ से सलामुलेकुम ईद मुबारक है क्या। चले जी, हम एंटर हो गए हैं नो मैन लैंड में। यहाँ पे शायद पहले टर्की का होता है और उसके बाद ईरान का। ये दो भाई साहब, ये भी शायद ईरान जा रहे हैं। यू आर ईरान गोइंग ईरान? या। ओह गुड। ये मेरे साथ ही आए थे इस्तांबुल से, दोगो बयाजिद, लेकिन लैंग्वेज का इशू। लैंग्वेज का ईरान ईरान से ईरान ईरान तेहरान तबरीज तबरीज यू तेहरान तबरीज तबरीज ओके। तो ये भी तबरीज जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं जिस तरीके से अभी है आपको मैं तो आगे अभी आगे है जी। अभी आगे आगे जाना है काफ़ी हद तक शायद। इसका मतलब ये है कि कई फरलांग तक हमें नो मैन लैंड जो है ना उसके अंदर जाना है। योर नेम? माय नेम मोहम्मद राशिद। यू? फरहाद। फरहाद एंड यू? ईसा। ईसा 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 मसीह ईसा प्रॉफिट। यस, ईसा फरहाद राशिद। और हम बारिश वक्ती तौर पे थोड़ी सी रुकी है, तो अल्लाह करे ये जो इमिग्रेशन के दौरान में बारिश थोड़ी सी रुकी रहे। मैंने इससे सिम कार्ड का पूछा तो ये सिम कार्ड अपने पास से दिखा रहा था कि ये है, इसके अंदर डाटा भी है। मैंने कहा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है? उसने कहा नहीं, मनी 100 लीरा दो, ये दे दो। मैंने कहा भाई ये तुम्हारे नाम है, मैं इसको किस तरीके से लूँ। ये हमें सामने नज़र आ गया, यहाँ से मेरे ख्याल से हम दोस्तों को जाएंगे। यहाँ पे हमने जाना है। अब हमने ईरान की तरफ जाना है। सो वेलकम टू ईरान। ईरान में एंट्री हो गई, आधा पौना घंटा लगा।
एक छोटा सा मसला भी हुआ। मैंने तो पढ़ा था कि ईरान में कोविड टेस्ट या एंटीजन या कोविड सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी कोविड पीसीआर टेस्ट चाहिए। फिर यहाँ पे फैसिलिटी थी लेकिन ईरानियन की कर रहे थे। बहरहाल पता नहीं एक्चुअल था कि ठीक था। उन्होंने मुझसे $10 लिए, मेरा पीसीआर टेस्ट किया और मुझे उन्होंने कहा कि आप जाएं। स्टैंप उन्होंने जो मेरी है वो मेरे जो वीज़ा था उसके ऊपर लगाई है, पासपोर्ट के ऊपर नहीं लगाई। अभी मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से पहले बजरगान जाना है, फिर माकू जाना है और फिर वहाँ से तबरेज़ की बस मिलेगी।